दीवारों पे इतने इतने पेपर लगा दिए, इतने इतने वो रेडियो बजा के शोर शराब हो रहा है, इतने पैसे अगर स्कूलों में लगाए जाए तो आज हमारे गांव का विकास तो हो गया होता, खेल ग्राउंड का विकास तो हो गया होता, डॉक्टर्स का विकास तो हो गया होता। कितने लाखों रुपए लोगों ने लगा दिए बैनरों पे, आवाजों वाइट पे, ऑफिस खोल खोल के। ना ही मैंने कोई पेपर छपाए हैं सर आज तक, दो बोर्ड छपाए हैं अभी तक मैंने। जी बात स्पष्ट, सभी गांववासियों को मेरा राम राम, आपका बहुत धन्यवाद। मैं आज तक किसी पत्रकार को इंटरव्यू दिया नहीं, आज तो मेरा पहला इंटरव्यू है। तीन ही सवाल हैं, क्यों, कब और कैसे। इन तीन सवालों के जवाब सभी गांववासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को अपने अपने कैंडिडेटों से लेने चाहिए। क्यों, आज क्यों उनको समाज सेवा जागरूक उठी है, आज से पहले क्यों नहीं उठी, पहला सवाल ये मेरे से भी होना चाहिए, ये सभी कैंडिडेटों से होना चाहिए और गांव को उनका जवाब मांगना चाहिए कि क्यों। अब यही जवाब मुझसे मांगे, यही और कैंडिडेटों से मांगे, यही अपने अपने गांव के कैंडिडेट हैं जो और गांव के हैं, उनको मांगने का अधिकार है। क्यों, कब, कब का मतलब है कि कब होगे, भ्रष्टाचार बंद कब होगा, कब आप स्कूल सुधारोगे, इसका टाइम टेबल तो होना चाहिए कि 10 साल में करोगे, 5 साल में करोगे, 1 साल में करोगे, कब, कब पानी शुद्ध होगा घर घर। ये जो मुख्य सुन के आता है गांव का जो भी है कोई इंसान, वो मुख्य कैसे, क्यों बने वो मुख्य, क्या कारण है, करेंगे कब करेगा तो ठीक। तीसरा सवाल है कैसे, तू विकास करेगा कैसे, ये गांव का अधिकार है पूछने का सभी कैंडिडेटों से कि करेगा कैसे हमें बताएं। तो डिबेट होनी चाहिए, सभी के विचार रखने चाहिए और सभी को इकट्ठे करके उनके विचार जानने चाहिए, ये गांव का अधिकार है, ये उनको जानना चाहिए। और ये कल शाम को मंदिर में शिव भगवान के सामने मैं वहां पहुंचूंगा 5 बजे, यही सवाल मुझसे पूछा जाए उसका जवाब मैं भी दूंगा सर, और यही सवाल मेरे साथियों से पूछा जाए, यही सवाल का जवाब वो दे, और उसके बाद गांव डिसाइड करे कि इस गांव का मुख्य कौन होना चाहिए। ऐसे नहीं है इस रिश्तेदार के दबाव से। सवाल है जी, कब, क्यों और कैसे, क्यों आज की समाज सेवा, आज से उस गांव वालों को अधिकार है, उसको पूछे आज से पहले आपने गांव के लिए क्या किया, आज अचानक आपको इतना समाज सेवी का वो कैसे हो अंदर कैसे उठा, ये बात आपको आज से पहले आप कहाँ थे। हाँ जी सर, डूडी साहब दूसरा गांव की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा, मुझे मुद्दे का नहीं पता जी क्या रहेगा, ये मैं नहीं जानता क्या रहेगा, मैं एक ही बात जानता हूँ, एक ही मेरे बात दिल के अंदर है कि इस गांव को, इस गांव के बच्चों के भविष्य को कैसे तरक्की पे ले जाया जाए। शिक्षा का जो मेन मुद्दा है वो बच्चों का भविष्य कैसे सुधारा जाए, उसकी पढ़ाई कैसे बढ़िया की जाए, स्कूलों में सरकारी में व्यवस्था कैसे की जाए। आप मुझे सारे सवालों के जवाब अभी पूछ लोगे तो फिर कल शाम को क्या पूछोगे। और ये मंदिर, एक मिनट सुनो सर, एक बात और, हम सच्चाई से और ईमानदारी से सेवा करेंगे, ईमानदारी से, शब्द देखो कितना बढ़िया है, लेकिन ये ईमानदारी आप कैसे करके दिखाओगे गांव को, इसका क्या गारंटी क्या दोगे इसकी, और आज ये गारंटी हमें देनी चाहिए तो हम फिर कल एमएलए मंत्री जो हमारे चौक में आते हैं हम उनसे पूछ सकते हैं, खुद ईमानदार हो तो। भविष्य की बात बता रहा हूँ सर, आगे की। अब ये दीवारों पर इतने इतने पेपर लगा दिए, इतने इतने रेडियो बजा के शोर शराब हो रहा है, ये गलत है सर। इतने पैसे अगर स्कूलों में लगाए जाए तो आज हमारे गांव का विकास तो हो गया होता, खेल ग्राउंड का विकास तो हो गया होता, डॉक्टर्स का विकास तो हो गया होता। कितने लाखों रुपए लोगों ने लगा दिए बैनरों पे, आवाजों वाइट पे, ऑफिस खोल खोल के। मुझे ऑफिस खोलने का कोई शौक नहीं है, मैंने आज वैसे वैसे खोल दिया, क्या करें अब। ना ही मैंने कोई पेपर छपाए हैं सर आज तक, दो बोर्ड छपाए हैं अभी तक मैंने, वोट मांगने जाते हैं मुझे वोट।